ग्राम पंचायत इसासनी में मऊजा वागधरा सर्वे नंबर 1 में शमशान भूमि के समीप तालाब खुदाई का काम हुआ, जहां खुदाई के बाद 1060 ब्रास मुरम निकलने की जानकारी आधिकारिक रूप से सामने आई है। वहीं इस विषय में सामाजिक कार्यकर्ता श्रावण गोसावी ने तालाब से निकले मुरम चोरी होने की कंप्लेन तहसीलदार हिंगना को दी है, जिस पर तफ्तीश करने पश्चात पता चला है कि 108 ब्रास मुरम वहां पाया गया है और 952 ब्रास मुरम चोरी का मामला सामने आया है। लेखित जवाब पूछा कि भैया अभी तक जो मैंने कंप्लेंट डाला था 17/6/2022 को, तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई करके मैंने माहिती के अधिकार में वो लेखी मंगाया, तो मेरे को 15-20 दिन के बाद में उसका पूरा जवाब मिल गया। तो उस जवाब में मेरे को पता चला कि अपना जो वाना डोंगरी का जो तलाटी है, ये एपी गढ़ पहले ये तलाटी है और आरएम चूटे करके ये मंडल अधिकारी है, तो इन्होंने वहाँ पे ये इन्होंने बोले कि ये मौका चौकसी करने गए थे, तो वहाँ पे जो इन्होंने मौका चौकसी की है तो उसमें इन्होंने लिख के दिया है कि भैया 1060 ब्रास फुट का खुदाई हुआ है और वहाँ से जो 1060 ब्रास जो मुरुम है वो वहीं पे बाजू में पड़ा हुआ है करके। तो फिर मैंने जब ये लिखा देखा तो मैंने फिर इसके ऊपर मैंने फिर से एक कंप्लेंट डाली, ये अहवाल झूठा है तलाटी साहब ए पी गढ़पाले और छूटे सर का, तो मैंने फिर सीधा एक कंप्लेंट फिर से लिखवा के दिया। छूटे मंडल अधिकारी इन्होंने खोटा अहवाल दाखिल किया है, इसलिए इनको इनके ऊपर कार्रवाई की जाए करके। तो फिर इसके ऊपर तहसील की तरफ से कार्रवाई हुई है, फिर से मैंने रिपिटिशन डाला कि भैया इसकी फिर से चौकसी की जाए। मेरे सामने 7/11/2022 को नायब तहसीलदार कदम साहब आए और वहाँ पे उन्होंने आज मौका चौकसी किए, तो उन्होंने जो मेजरमेंट निकाले वो वहाँ का मुरुम का जो मोज माप की है तो उनके हिसाब से ब्रास बताया और वहाँ पे सिर्फ 108 ब्रास, यानी वो 10% मुरुम भी नहीं है, वहाँ पे 100% चोरी हुआ है ना, यानी अभी वो अंदाज भी वो बोल रहे हैं 1060 ब्रास, 108 ब्रास कहाँ पे है, अभी 952 ब्रास मुरुम वहाँ से चोरी गया। और ये हमारे ये क्या तलाटी एपी गढ़पाले जी और मंडल अधिकारी आरएम चूटे सर ये कहते हैं कि नहीं वहाँ से कोई चोरी नहीं हुआ है, उन्होंने बोलते वहाँ पे बोले उनके कुछ कागज है मेरे पास में, उन्होंने बोले कि वो ऑपरेटर का जो पोकलैंड ऑपरेटर था वहाँ पे उनका हमने बोले स्टेटमेंट लिया बोले कि वहाँ पे तो वहाँ से कोई मुरुम चोरी नहीं हुआ बोले, बाकी का मुरुम गया कहाँ, इसका जो काफ़ी सारे सस्पेक्टेड लोग है क्या उनका नाम मैं कैसे नहीं तो अभी तो नहीं ले सकता, लेकिन मुरुम तो गया है चोरी क्या। और इन्होंने कुछ सुपुर्दनामा करके दिया था कोई तारीख को, उस तारीख में जो सुपुर्दनामा करके दिया था उन्होंने कुछ सस्पेक्टेड लोगों की साइन ले ली है और उनको बोल दिए कि नहीं हमने 1060 बरस मुरुम हमने ग्राम पंचायत के अधीन हवाले करके रखा हुआ है करके। तो ये यानी कैसा इनकी जो है ये एपी गढ़पाले और एपी छूटे वो छूटे सर इन लोगों के सब मिली भगत है, इन लोगों ने सब मामला सेट करवाने के चक्कर में सब पूरा यानी केस दबाने के पूरा चोरों को बचाने के लिए वो झूठा हवाल सादर की वहाँ पे पेश कर दिया। और अभी भी देखो अभी हमने तो बोल दिया है कि आगे पूरी कार्रवाई कीजिए, अभी देखते हैं आगे कहाँ तक कार्रवाई की जा सकती है या कहाँ तक कार्रवाई करते हैं लोग। मैं ये कार्रवाई सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूँगा, इसके जिम्मेदार जो भी व्यक्ति है कोई चाहे कोई भी हो, ग्राम पंचायत का मेम्बर हो, सरपंच हो, उप सरपंच हो या फिर कोई भी हो, कोई भी सरकारी अधिकारी हो या फिर ये गढ़पाले जी हो, चूटे जी हो, अगर इनमें से जो भी लोगों का इनमें ये केस यानी मुरुम चोरी करने में केस दबाने में जिनका भी हाथ है इन सब के ऊपर कायदे से कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी तो यही डिमांड है। कार्रवाई तो होनी चाहिए, बाकी के भी लोग हैं। हाँ अभी ये तलाटी जिन्होंने बताया अभी ये जो अहवाल बनाया झूठा अहवाल बनाया ना पूरा, अब खुले तरीके से साबित होता है इन्होंने भी पैसे खा के बनाया होगा, अब ऐसा तो कोई इतना आग बंद करके तो नहीं गए थे लोग, अब ऐसे ही यानी वहाँ पे लिख दिए 1060 ब्रास मुरुम में अभी 108 ब्रास दिख रहा है
तो भैया अब इतने लोग हैं, ये सबसे अभी 952 ब्रास का फाइन, जैसे 2 ब्रास का 2.5 लाख रुपए लेते हैं वैसे 952 ब्रास का फाइन, अभी जो करोड़ों रुपए बनेगा अब इनसे वसूल किया जाए और सरकारी खजाने में जमा किया जाए। मैं ये मेरी तो यही डिमांड है अभी। और इसी तरीके से न्याय होगा तो हम ढूंढेंगे कहीं पे, अगर नहीं होगा, ये अगर चोरी करना है तो अगर सरकारी ऑफिसर रह के अगर ये लोग चोरी करते हैं तो सामान्य लोगों को बोलने का इनको कोई अधिकार नहीं है क्या? तो क्या संविधान ने तो सभी को समानता दी है, तो या तो समानता साबित करें, सभी साबित करें आप समानता, हम तो यही चाहेंगे, हमें न्याय मिलना चाहिए और सरकारी खजाने में पूरा वसूल कीजिए अभी पैसा, कार्रवाई तो होनी चाहिए। मैं तो तहसील में कंप्लेंट किया हूँ, अभी आज मौका चौकसी हो गई, उसमें उन्होंने 108 ब्रास मुर्म है करके बोल दिया, ये तो साबित हो गया कि एपी गढ़पाले और चूटे जी झूठ बोल रहे हैं। अभी मैं इनके खिलाफ़ फिर से एक कंप्लेंट डालूंगा कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर इनके ऊपर फिर से अरे तहसील की तरफ से कार्रवाई नहीं होती तो मैं अपना जिला कार्यालय जाऊँगा, अपना आयुक्तालय जाऊँगा, वहाँ पर भी नहीं जाऊँ तो खनिकर्म में जाऊँगा, और वहाँ पर भी नहीं हुआ तो मैं कोर्ट में जाऊँगा, वकील के थ्रू मैं इनके ऊपर केस कराऊँगा। क्योंकि कैसा है कि नॉर्मली ये होता है कि जब कोई 200 फीट भी मुर्म अगर चोरी करता है तो सरकार की तरफ से जो कोई अगर ट्रक वाला अगर लाता है एक 200 फीट मुर्म, कोई अगर अगर विदाउट रॉयल्टी अगर लाता है तो उसका 2.5 लाख रुपए के करीब करीब ये लोग फाइन करवा वसूल करवाते एक ट्रक मालक से। वो ट्रक मालक तो कैसा, वो तो प्राइवेट आदमी है। अभी ये सब जब सरकारी आदमी जब ये सब इतना ला, यानी 952 ब्रास यानी 2 ब्रास का 2.5 लाख रुपया, तो 952 ब्रास का कितना लाख रुपया, करोड़ रुपया हो जाएगा सर। तो अगर एक सामान्य आदमी जो व्यापार करता है, जो टैक्स भरता है, इंश्योरेंस भरता है, कितना कई सारा पैसा सरकार को देता है, गाड़ी मालक देता है बहुत सारा पैसा, आरटीओ ऑफिस को देता है, इंश्योरेंस कंपनी को देता है, टैक्स का पैसा देता है, रोड टैक्स भरता है, अपना क्या बोलता है टोल टैक्स भरता है, इतने सारे टैक्सेस भरता है, उसके बावजूद भी अगर उसने अगर 2 ब्रास अगर मुर्म चोरी कर दिया तो 2.5 लाख रुपये उनसे वसूल किया जाता है। आज भी अपने हिंगना तहसील में काफ़ी सारे ट्रक लटके हुए हैं, अब कई लोगों के तो 2.5 लाख रुपये भरने के बावजूद उनके वाले अभी तक ट्रक नहीं निकले। तो जब 2 ब्रास का फाइन जब 2.5 लाख रुपये है तो आप 952 ब्रास का फाइन सोच लीजिए कितना होगा। अब अगर सरकार अगर ईमानदार है, अपना तहसील कार्यालय ईमानदार है, तो ये अभी 952 ब्रास जो मुर्म चोरी गया है उसका 2.5 लाख रुपए 2 ब्रास के हिसाब से इतना 952 ब्रास का पैसा अभी ये वसूल करे, जो भी इसके जिम्मेदार है कोई भी रहे, वो फिर वो अपना सरपंच रहे, उप सरपंच रहे, हमारे सरपंच है उके साहब, उप सरपंच है मीना भाई मेसराम, हमारे देशमुख साहब है सचिव क्या, और बाकी के भी लोग हैं। हाँ अभी ये तलाटी जिन्होंने बताया, अभी ये जो अहवाल बनाया, झूठा अहवाल बना ना पूरा, अब खुले तरीके से साबित होता है इन्होंने भी पैसे खा के बनाया होगा। अब ऐसा तो कोई इतना आग बंद करके तो नहीं गए थे ये लोग, अब ऐसे यानी वहाँ पे लिख दिए 1060 ब्रास। अजीत कुंवर के साथ आशीष गुंडानी की रिपोर्ट। NBCN न्यूज के लिए हिंगना से कैमरामैन अजीत कुंवर के साथ आशीष गुंडानी की रिपोर्ट।